प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामायण पर आधारित 6 डाक टिकट जारी किए हैं, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर के अतिरिक्त शबरी सहित कई महत्वपूर्ण पात्रों का चित्र अंकित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुल के लोकार्पण के साथ ही कई शिलान्यास किए गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस का शर्मसार कर देने वाला अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें एक लाचार महिला को दरोगा जी सड़क पर घसीटते नजर आए हैं। आइए देखते हैं आज के समाचार। आपके द्वारा भी मुस्लिम के लिए समर्पित जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 6 डाक टिकटों का अनावरण किया है, उसमें अयोध्या के नवनिर्मित भगवान श्री रामलला के मंदिर भी है। इस डाक टिकट में पंच तत्वों को दर्शाया गया है। टिकटों के मुद्रण में अयोध्या की मिट्टी, सरयू के जल व चंदन का भी प्रयोग किया गया है। डाक टिकटों से चंदन की खुशबू आती है। आज इन डाक टिकटों का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास से किया। प्रधानमंत्री ने एक ऐसी पुस्तक का भी अनावरण किया है, जिसमें दुनिया भर के उन डाक टिकटों को दर्शाया गया है जिसमें भगवान राम के चित्र अंकित हैं। आपको बता दें, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर आदि अनेक देशों ने भगवान श्री राम के चित्र के साथ डाक टिकट जारी किए थे। इन सभी का संकलन इस पुस्तक में है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जो 5 तत्व हैं उनका, जल, पृथ्वी, पावक, गगन, समीरा। जल के रूप में अनवरत बहती सरयू नदी, जो अयोध्या का एक प्रतीक है, और उसके साथ साथ अग्नि के रूप में सूर्य की किरणें और दीपावली के दीपक हैं। पृथ्वी और जो पूरे वातावरण को इसमें पंचतत्व वो समाहित किया गया है, और इसके मुद्रण में अयोध्या से लाई गई मिट्टी का सम्मिश्रण है, सरयू के जल का है, और चंदन की जो एक सुगंध है वो भी इसमें सब ब्लेंड की गई है स्पेशल तरीके से। इसकी पेंटिंग है संयुक्त राष्ट्र के अलावा 20 देश उनके जो रामायण पे आधारित जो उनके डाक टिकट संग्रह हैं उनका एक संकलन आपके अनावरण के लिए। कन्नौज नदी पर बने पुल का लोकार्पण प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने सामूहिक रूप से किया। वहीं बाईपास पर सैटेलाइट बस स्टेशन का शिलान्यास भी इन सभी मंत्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। पुराने बस स्टेशन का आधुनिकीकरण व परिवहन विभाग की वर्कशॉप के निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने यहाँ घोषणा की कि जनपद को एक ड्राइविंग स्कूल के साथ ही डबल डेकर बस व इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा भी मिलेगा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी पुलिस का ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया जिसके कारण मानवता शर्मसार हो गई। मोहम्मदी कोतवाली में फरियाद लेकर आई बेबस पीड़ित महिला को एक दरोगा उस समय सड़क पर घसीटने लगा जब वो न्याय पाने के लिए कोतवाली के पास सड़क पर बैठ गई। पीड़ित महिला के बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पर दरोगा जी को रहम नहीं आया। गालियां देते हुए दरोगा महिला का हाथ पकड़कर घसीट रहा। इस नामर्द दरोगा ने ये भी जहमत नहीं उठाई कि थाने से महिला सिपाही को बुलाकर अपनी तानाशाही दिखाता। फिलहाल पूरे मामले का वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखते हैं कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी इस दरोगा के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जहां पुलिस की करतूत उसके आला अधिकारियों को शर्मसार करती है, तो वहीं कुछ पुलिस के ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं जिनको लोग देवदूत मानकर उनकी तारीफ करते हैं।
ऐसी एक तस्वीर कानपुर से आई है। आपको बता दें कमिश्नरेट कानपुर के सीसामऊ थाने में तैनात महिला दरोगा महादेवी वर्मा ने एक गरीब बुजुर्ग महिला को पकड़कर न केवल सड़क पार कराया बल्कि उस गरीब महिला की सहायता भी की। किसी ने महिला दरोगा की दरिया दिली देखकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें इससे पूर्व महादेवी वर्मा जब गाजियाबाद में तैनात थी तो उनकी दयालुता की वीडियो वायरल हो चुकी है। वे कई बार गरीबों को भोजन कराते हुए और वस्त्र दान करते हुए देखी गई। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।